हमें फाइंड करना है जी, एलसीएम नंबर है जी हमारे 3/8, 9/32, उसके बाद है जी नंबर 33/48 और जी लास्ट वाला नंबर है 18/72। और जी हमें इन नंबर्स का फाइंड करना है एलसीएम, और इन नंबर्स को बोलते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर्स। ऊपर वाले जी नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वालों को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जी एलसीएम फाइंड करने का मेथड ये है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर्स, ऊपर वाले नंबर्स का जी फाइंड करना है एलसीएम, और जी जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है उनका फाइंड करना है जी हमें एचसीएफ। ये मेथड होता है जी एलसीएम फाइंड करने का, बिल्कुल सिंपल है। देखो जी मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हो, नीचे वालों का एचसीएफ, जो भी मेथड आपको आता होगा फैक्टर फुक्टर वाला। पर मैं बताता हूँ जी इसका शॉर्टकट, मतलब कि आपको एग्जाम में कोई फैक्टर फुक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एलसीएम का मतलब पता होना चाहिए क्या है। ऊपर नंबर लिखा हुआ है 3, 9, 33 और 18, इट मीन्स आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 3, 9, 33 और 18 के टेबल में आता है। देखो सर, 3 के टेबल में तो मुझे नंबर पता चल सकते हैं, पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बट सबसे बड़ा नंबर है 33। इट मीन्स जो ऊपर आंसर है ना वो 33 से बड़ा आना चाहिए न्यूमिनेटर में। सर देखो जी, ऑप्शन डी चला गया, ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन ए चला गया, एक है ऑप्शन सी वाला, मतलब कि ऊपर नंबर लिखा हुआ है 198। सर 198 3 के टेबल में भी आता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 33 से भी होता है और 18 से भी होता है, इसका मतलब ऊपर वाला आंसर तो ठीक है 198। अब जरा आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि हमें इन नंबर्स के फाइंड करना है एचसीएफ। सर एचसीएफ का मतलब है कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका मैं टेबल रीड करूं तो उसमें 8 भी आ जाए, 32 भी आ जाए, 48 भी आ जाए और 72 भी आ जाए, तो क्यों ना मैं स्टार्ट करूं सबसे छोटे वाले से। सबसे छोटा वाला कौन सा? 8। 8 के टेबल में 8 भी आता है जी, 8 के टेबल में 32 भी आता है, 48 भी आता है, 72 भी आता है, इसका मतलब जी यहाँ पे नंबर होएगा 8। और सर यही हमारा आंसर है, एलसीएम आ गया 198/8, ऑप्शन है जी सी, और ये हमारा राइट आंसर है।